न्यूयॉर्क में वाक़ बेशकीमत पाकिस्तानी रोजवेल्ट होटल के हवाले से मीडिया में मतजाद इतलात आ रही हैं, जिसके बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या तारीखी रोजवेल्ट होटल अब पाकिस्तान की मलकियत नहीं रहा। वाज़ह है कि कानकनी से वाबस्ता ऑस्ट्रेलिया की जीथियान कॉपर कंपनी ने हुकूमत पाकिस्तान से हरजाना की रकम वसूल करने के लिए बैरून मुल्क वाक़ पाकिस्तान के असासे बशमूल न्यूयॉर्क में वाक़ रोजवेल्ट होटल और पेरिस में वाक़ स्क्राइब होटल मुंजमद करवाने का केस किया था, जिसे गैर मुल्की अदालत ने मंजूर कर दिया था। तब हुकूमत पाकिस्तान ने हरजाने की अदायगी करके न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में वाक़ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के मलकियती तारीखी रोजवेल्ट होटल का कब्ज़ा वापस लेने का ऐलान किया था। अदालती हुक्म पर रोजवेल्ट होटल के जब्त हो जाने के बाद फरवरी सन 2021 में हुकूमत पाकिस्तान ने इसका कब्ज़ा वापस लेने के लिए 3,55,80,000 डॉलर्स यानी तकरीबन 6 अरब रुपये का भारी बेल आउट पैकेज देने का ऐलान किया था। ताहम अब तक रकम की अदायगी नहीं हो सकी, जिसके बायस ऐसी इतलात आ रही हैं कि रोजवेल्ट पर अब पाकिस्तान का हक नहीं रहा। ताहम दूसरी जानब इस मामले को देखने वाली हुकूमत पाकिस्तान की कानूनी टीम का मौकफ़ है कि अभी असासों में PIA के हिस्से मुंजमद किए गए हैं, इनकी मलकियत मुंतकिल नहीं हुई और पाकिस्तान ने इस फैसले को चैलेंज कर रखा है। ताहम हुकूमत पाकिस्तान ने इस मामले पर एक पुरसरार खामोशी साध रखी है। इसी दौरान मरूफ ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया विकीपीडिया के स्क्रीनशॉट के साथ सोशल मीडिया पर एक मैसेज भी गर्दिश कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि यह रोजवेल्ट होटल का मुकद्दर है और अब रेकोडिक माइनिंग कंपनी इसकी नई मालिक है। अगर विकीपीडिया पर रोजवेल्ट होटल के पेज को देखा जाए तो वहाँ होटल के मालिक के आगे PIA का नाम है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि फिर ये स्क्रीनशॉट कहाँ से आया। अगर विकीपीडिया पेज की हिस्ट्री देखी जाए तो पता चलता है कि 8 मार्च को पेज पर रोजवेल्ट होटल की मलकियत तब्दील करके टीथियन कॉपर कंपनी के नाम की गई थी, जिसे 30 मार्च को दोबारा तब्दील करके PIA का नाम कर दिया गया है। वाज़ह है कि विकीपीडिया के किसी भी पेज पर कोई भी ऑथराइज शख्स तब्दीली कर सकता है। कुछ मालूम को तब्दील करने के लिए आपके पास मालूम का माखज़ होना भी ज़रूरी है। इसी वजह से विकीपीडिया पर रोजवेल्ट होटल की मलकियत को 2 दफ़ा बआसानी तब्दील किया गया है। याद रहे कि टीथियन कॉपर कंपनी एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, जिसे पाकिस्तान में रेकोडिक मंसूबे के लिए ठेका दिया गया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस ठेके को गैर कानूनी करार देकर मंसूख कर दिया था, जिसके बाद इस कंपनी ने बैन अल-अक़वामी अदालत में कानूनी जंग लड़ी और पाकिस्तान पर भारी जुर्माना आयद करवाने में कामयाब हो गई। इस जुर्माने की अदायगी कीमत में PIA की मलकियत में मौजूद 2 होटल रोजवेल्ट और स्क्राइब की मलकियत के हसूल की कोशिशें शुरू कर दी गई। वाज़ह है कि TCN कंपनी ने वर्ल्ड बैंक की सालसी अदालत की जानिब से 5.97 अरब डॉलर की अदायगी के फैसले के निफाज के लिए ब्रिटिश वर्जन आइलैंड की एक अदालत से रुजू कर रखा है और इसी केस में इन असासों के हिस्सों को मुंजमद किया गया है। हाल ही में 26 मार्च 2021 को TCN कॉपर कंपनी ने न्यूयॉर्क की एक अदालत से रुजू किया है, जिसमें 2 फर्मों की मालूम मांगी गई है। TCN के मुताबिक ये दोनों फर्में नॉर्टन रोज और वाइट एंड केस मुमकिन तौर पर इन 2 होटल्स यानी रोजवेल्ट और स्क्राइब की मालियत कम करने में हुकूमत पाकिस्तान की मदद कर सकती हैं। TCN ने अदालत से इस्तदा की है कि इन्हें इन कंपनियों से मुतालिक मालूम फराहम की जाए, ताकि अगर इन 2 होटल्स की मालियत में फ़र्क डालने की कोशिश की जा रही है तो इसे रोका जाए। पाकिस्तान की मलकियत ये दोनों होटल ब्रिटिश वर्जन आइलैंड की हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस के एक फैसले के तहत अदालत के पास उबूरी बुनियादों पर गिरवी हैं और मुस्तकबिल में इन्हें TCN कॉपर कंपनी के हवाले भी किया जा सकता है। PIA के एक सीनियर अहदेदार के मुताबिक दोनों होटल को कुर्की से बचाने और मामला अदालत से बाहर निपटाने के लिए TCN कॉपर कंपनी के साथ बातचीत हो रही है। TCN कॉपर कंपनी को बलोचिस्तान के जिला चागी में रेकोडिक से तांबे और सोने की कानों पर काम करने का ठेका मिला था। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने सन 2013 में इसे गैर कानूनी करार देते हुए मुआहदा खत्म कर दिया था। बाद हजार TCN ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ कामयाब कानूनी चाराजोई की थी, जिसके नतीजे में जुलाई सन 2019 में वर्ल्ड बैंक की सालसी अदालत ने पाकिस्तान को मस्कूरा कंपनी को 5.9 अरब डॉलर देने का हुक्म जारी किया था। TCN ने पाकिस्तान से रकम निकलवाने के लिए रियासत पाकिस्तान के गैर मुल्की असासों को रिकवरी के साथ जोड़ने का अमल शुरू किया था, जिसमें न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल और पेरिस में स्क्राइब होटल को केस के साथ जोड़ने की दरख्वास्त की गई थी, जो कि अदालत की जानिब से मंजूर कर ली गई थी। वर्ल्ड बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वर्ल्ड बैंक की सालसी अदालत के फैसले के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान ने 16 मार्च 2021 को नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी, जो ताहाल जेर समात है। ताहम अभी तक ये वाजे नहीं हो पाया कि दोनों होटल अब पाकिस्तान की मलकियत हैं या नहीं। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।